हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 के अलॉय व्हील्स के अपडेट के बारे में। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें एक्सपेक्टेशंस लिखा हुआ था कैसा होने वाला है करके, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल एनफील्ड ने इंटरनेशनल मार्केट के वेबसाइट में, यस UK के वेबसाइट में अपडेट कर दिया है इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल के अलॉय व्हील्स के बारे में। सो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो कल का दिन अगर बोलने जाओ तो बहुत सारे ऑटो मीडिया वालों ने नया आर्टिकल लॉन्च किया था जिसमें लिखा गया था कि रॉयल एनफील्ड ने फाइनली अलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस किया है कॉन्टिनेंटल GT और 650 के लिए। सो कहाँ पे किया है वो आज बात करने वाले। यस, इंटरनेशनल मार्केट में किया है जो कि UK का वेबसाइट है। मैं आपको साइड में दिखाता हूँ कौन सा वेबसाइट है करके। आपको जस्ट क्रोम या फिर सफारी का जो ब्राउजर है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सर्च करना है रॉयल एनफील्ड UK, ठीक है। रॉयल एनफील्ड UK जैसे ही सर्च करोगे आपको UK का वेबसाइट मिलेगा रॉयल एनफील्ड के तरफ से। वहाँ पर जाना है आपको, ओपन करना है उसे। तो जैसे कि आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें मोटरसाइकिल के कॉलम में जाके आपको इंटरसेप्टर 650 या फिर कॉन्टिनेंटल GT जो चाहिए आपको उसके कॉलम में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटरसेप्टर का ऑलरेडी उन्होंने नया फोटो जो है वो लगा दिया है लेआउट में, और उसके अंदर अगर जाएंगे अपन सो बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया गया है बाइक्स के रिलेटेड। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि इंजन जो है वो सेम ही होने वाला है, सिर्फ कलर स्कीम चेंज हो चुका है इंजन का। यस, अगर आपने प्रीवियस ईयर का अगर देखा होगा तो रॉयल एनफील्ड ने 120 ईयर्स का एडिशन लॉन्च किया था जिसमें सेम इंजन का कलर था जो कि पूरा ब्लैकआउट इंजन था और एग्जॉस्ट भी ब्लैकआउट किया गया था। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा, पूरा इंजन को ब्लैकआउट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कलर चेंजेस देखने मिल रहा है। सो नीचे के तरफ जाते हैं और हाईलाइट्स चेकआउट करते हैं। तो हाईलाइट्स में पहला तो लिखा हुआ है कास्टेड एलॉय व्हील्स। अभी इसमें कोई डिजाइन आपको देखने नहीं मिल रहा है, एक बेसिक सा ब्लैक कलर का एलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो वो एक है। दूसरा जो चीज़ है वो है LED हेडलाइट। जैसे कि आप देख सकते हो LED हेडलाइट जो है मीटियोर 650 से लिया गया है, सेम यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है LED हेडलाइट को इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT में। तीसरा जो अपडेट आपको देखने मिल रहा है वो है USB पोर्ट का। यस, अगेन मीटियोर 650 में भी बोला जाता है कि साइड का जो पैनल है पैनल के अंदर USB पोर्ट दिया गया है। सेम अप्लाइज ओवर हियर। यहाँ पे अपना जो हैंडल बार है, हैंडल बार के यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने मिलेगा। बेसिक सा एक USB पोर्ट आपको देखने मिलने वाला है इंटरसेप्टर 650 में भी। उसके अलावा जो चौथा अपडेट है वो है प्रीमियम स्विच। यस, ऑलरेडी मीटियोर से सब स्टार्ट हुआ था प्रीमियम स्विच का, बट इंटरसेप्टर में कोई भी चेंजेस किया नहीं गया था। बट नाउ अगर आप देखने जाओगे तो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT में भी आपको प्रीमियम स्विच देखने मिलेगा। सो वो एक अच्छी बात है, मतलब स्विच का क्वालिटी और भी अच्छा इंप्रूव कर दिया गया है। द फाइनल अपडेट और लास्ट अपडेट जो है वो है सस्पेंशन रिलेटेड। यस, रियल सस्पेंशन का बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, काफी सॉफ्टर साइड में हुआ करता था सस्पेंशन, तो उसे थोड़ा ट्यूनअप किया गया है। अभी पता नहीं एग्जैक्टली किस तरीके से ट्यूनअप किया है, वो तो गाड़ी आने के बाद ही समझेगा जब आप चलाओगे तब। सो कलर अपडेट की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो दो कलर ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, एक है बार्सिलोना ब्लू और दूसरा है ब्लैक रे करके कलर है। अब कोई भी आइडिया नहीं है ये सेम कलर इंडिया में भी लॉन्च होगा या नहीं, बट काफी अमेजिंग सा लग रहा है मुझे। खास करके बार्सिलोना ब्लू जो कलर है वो काफी अमेजिंग लग रहा है। आई होप सो कि ये कलर भी इंडिया में आ जाए। बट यस, अगर कलर आ जाता है इंडिया में तो आपको भी पता है कि रॉयल एनफील्ड हर कलर के पीछे 6-7 हज़ार रुपया बढ़ा देता है या कभी कभी 8 हज़ार भी बढ़ा देता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम कलर दे आर प्रोवाइडिंग। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट। एंड कलर तो काफी अमेजिंग लगा मुझे ये दो कलर जो है, और ये नहीं बोला जा सकता है कि अपने यहाँ पे और भी कलर आएंगे या नहीं आएंगे, बट ये दो कलर तो काफी अमेजिंग लगा हम लोगों को। शायद से लिमिटेड एडिशन का भी कलर हो सकता है, नो आइडिया अबाउट दैट। लेट्स सी व्हाट कलर वी गेट हियर इन आवर कंट्री। ये सब जो है ये अपडेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इंडिया में क्या क्या अपडेट आने वाला है वो किसी को आइडिया नहीं है। ये जस्ट इंटरनेशनल मार्केट UK के वेबसाइट में ये दिखाया गया है। अब हम जाते हैं इसके एक्सेसरीज के कॉलम में। तो मैं एक्सेसरीज के कॉलम में अगर जाके देखता हूं तो व्हील के इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज एड अप नहीं किया गया है, एंड ऑल्सो इंटरसेप्टर के इसमें भी कोई भी एक्सेसरीज एड अप नहीं किया गया है। दैट मीन्स आपको स्टॉक, मतलब जो गाड़ी नया आने वाला है उसके साथ आपको एलॉय व्हील्स मिलेगा शायद से, बट कमिंग टाइम में आपको एलॉय व्हील्स एज एन एक्सेसरीज भी एड ऑन हो सकता है, या फिर आप अलग से आपके जो भी सर्विस सेंटर है वहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सिंपल सा एक अपडेट आया है। अब ये अपडेट हमें इंडिया में कब देखने मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल को शायद से ये अपडेट आपको देखने मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 को अपडेट देखने मिलेगा। होप फॉर दी बेस्ट। एंड आप बताओ आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। नए हो सब्सक्राइब करो, एंड एज ऑलवेज गाइज थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बाय।